बस पहले हम आटे गूंथ कर इसका डो बनाएंगे। आटे में आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेते हैं। डो हम बहुत टाइट नहीं बनाएंगे, मुलायम बनाएंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। आटे को गूंथ कर हमने मुलायम डो तैयार कर लिए हैं। अब आटे को ढक कर रख देते हैं। जब तक आटे हमारे खिल रहे हैं तब तक के हम पराठे के लिए भरावन तैयार करेंगे। भरावन के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब गैस को ऑन करेंगे। पैन में एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं। घी हमारे गर्म हो गए हैं, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरे को भून लेते हैं। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को बराबर चलाते हुए हल्का भूनेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब मसाले को प्याज में मिलाकर भून लेते हैं। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे मसाले प्याज हमारे जले ना। गैस हमने मीडियम में किया है। मसाले प्याज हमारे हल्के भून गए हैं। अब इसे में बेसन डालकर भूनेंगे। बेसन को मसाले में मिलाकर भून लेते हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो बेसन का सेव मिक्सर में पीसकर उसको भी डाल सकते हैं। बेसन को हमने भून लिया है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। पनीर को बेसन और मसाले में मिला लेते हैं। अब इसी में हरी धनिया डालकर मिला लेते हैं। ये हमारे पराठे के लिए भरावन तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। भरावन को इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको ठंडा करेंगे तब इसमें दही मिलाएंगे। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब भरावन में हम दही डालकर मिलाएंगे। भरावन हमारे ठंडे हो गए हैं। दही को हम हाथ से मिलाएंगे। हमने खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं किया है, ताजे दही का इस्तेमाल किया है। इससे पराठे खाने में अच्छे लगेंगे। ये भरावन हमारे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम पराठे बनाएंगे। 15 मिनट बाद हमारे आटे भी अच्छे से खिल गए हैं। इसे हम हाथ से थोड़ा मसल लेते हैं। अब इसका हम पराठे बनाएंगे। बोर्ड पर हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे जिससे पराठे बेलते समय बोर्ड पर चिपके ना। अब हम लोई को बना लेते हैं। हम आपको दो तरीके से पराठा बेलना बताएंगे। भरावन वाले पराठे के लिए हम थोड़ा बड़ा साइज का लोई बनाएंगे। लोई हम थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से दोनों हाथ से फैलाएंगे और बीच में जगह बनाएंगे। अब हम भरावन को भरेंगे। हमने भरावन को भर दिया है। अब इसको दोनों हाथ से दाबते हुए पैक करेंगे। लोई को हमने पैक कर दिया है। अब इसको हाथ से दाब कर चिपटा कर लेते हैं। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे तब पराठे को बेलेंगे। इसको हम हाथ से दाब कर थोड़ा फैला लेते हैं। अब इसको हल्के हाथ से बेलन से बेलेंगे। हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर नहीं बेलेंगे, नहीं पराठे हमारे फट जाएंगे।
ये हमने पहले वाले तरीके से पराठे बना लिए हैं, इसको हम प्लेट में रख देते हैं। अब हम आपको दूसरे तरीके से पराठा बेलना बताएंगे। इसके लिए हम दो छोटे साइज के लोई बनाएंगे, दोनों हम एक साइज के लोई बना लेते हैं। अब इसको रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं। उसी तरीके से इसको भी बेल लेते हैं। एक साइज के हमने दो रोटी बना लिए हैं। अब इसी के ऊपर भरावन फैलाएंगे। इसको हम चम्मच से चारों तरफ से फैला देते हैं। अब इसके ऊपर से दूसरा वाला रोटी रखकर चिपका देते हैं। पहले हाथ से बीच में दाब लेते हैं, तब उसके बाद किनारे किनारे दाब कर चिपकाएंगे। अब इसको पलटकर हल्के हाथ से बेल देते हैं। ये हमने दूसरे वाले तरीके से पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम सभी पराठों को बेल लेते हैं। पराठे सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इस पर हम पराठे डालेंगे। पराठे डालने के बाद हम तुरंत नहीं पलटेंगे, जब नीचे से हल्के सिक जाएंगे तभी पलटेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। पराठे हमारे नीचे से हल्का सिक गए हैं, अब इसको पलट देते हैं। इसके ऊपर से हम देसी घी लगा देते हैं। पराठे पर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसको हम उस तरफ पलट देते हैं। इस तरफ थोड़ा घी लगा देते हैं। पराठे को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर सेकेंगे। जब पराठे हमारे अच्छे सिक जाएंगे तब इसको हम निकालेंगे। यहाँ हमने प्लेट के ऊपर एक छोटा सा कटोरी रखा है, इसी पर हम पराठे को निकाल कर रख देते हैं, जिससे पराठे हमारे नीचे से पसीजे ना। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पराठा सेक लेते हैं। अब इसके ऊपर भी देसी घी लगा देते हैं। इसको भी दोनों तरफ से घी लगाकर उलट पलट कर सेक लेते हैं। उसी प्लेट में हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने एक एक करके सारे पराठे को सेक लिए हैं। 2 कप आटे में हमने 4 पराठे बनाए हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर नाश्ते पे या खाने बनाकर खा सकते हैं। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, या फिर वैसे भी खा सकते हैं। यह पराठा बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपने इस तरीके से अपने घर पर दही पराठा नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बनाएं। यह पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं।